कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर अमेरिका की दवा निर्माता कंपनी मॉडर्ना ने खुशखबरी दी है। कंपनी ने कहा है कि वह जल्द ही अमेरिका और यूरोप में अपनी वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल के लिए अनुमति मांगने जा रही है। कुछ दिन पहले ही दावा किया गया था कि यह वैक्सीन कोरोना के मरीजों पर 94% तक प्रभावी है। कंपनी ने कहा है कि वह जल्द ही अमेरिका के खाद्य और औषधि प्रशासन से मंजूरी लेने का प्रयास करेगी। 21 दिसंबर से शुरू हो सकती है वैक्सीनेशन। मॉडर्ना के सीईओ स्टीफन बेसल ने कहा कि अगर प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है और मंजूरी दी जाती है तो वैक्सीन को 21 दिसंबर तक मार्केट में उतार दिया जाएगा। मॉडर्ना ने अपने एप्लीकेशन में सोमवार को घोषित किए गए अपने डेटा को दर्शाया है, जिसमें वैक्सीन के प्रभावी होने का दावा किया गया है। कंपनी ने दावा किया है कि ट्रायल के दौरान सभी आवश्यक वैज्ञानिक मानदंडों को पूरा किया गया है। महंगी होगी मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन। फाइजर की तरह मॉडर्ना की वैक्सीन को भी बेहद कम तापमान पर स्टोर करके रखना पड़ता है। यह mRNA तकनीक पर आधारित वैक्सीन है और 94.5% तक असरदार पाई गई है। मॉडर्ना ने अपनी वैक्सीन की कीमत $32 से $37 प्रति डोज रखने की बात कही है। बड़े ऑर्डर्स पर यह कीमत और नीचे जा सकती है। फिर भी मध्य और कम आय वाले देशों के लिए यह वैक्सीन अफोर्ड कर पाना बेहद मुश्किल होगा। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।